बस सिस्टर्स और मैं हूँ आपकी अपनी शनाया। तो आज ही नवरात्रि का डे 6 और डे 6 पे हम पूजा करते हैं माता कात्यायनी की। तो क्या आपको पता है कि माता कात्यायनी कौन थी? चलो मैं बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, कात्यायन नाम का एक बहुत ही महान साधु था। वो गॉडेस शक्ति का परम भक्त था और वो हमेशा यही चाहता था कि गॉडेस शक्ति उसकी बेटी के रूप में एक जन्म ले। और वहीं दूसरी ओर एक बहुत ही खतरनाक असुर था जिसका नाम था महिषासुर। असुर रुद्र का बेटा था और उसकी माँ राजकुमारी महिषा थी जो कि श्रापित थी एज वाटर बफेलो। इसलिए महिषासुर की हाफ बॉडी असुर की थी और हाफ बॉडी एक बफेलो की। महिषासुर की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वो देवताओं पे बहुत अत्याचार कर रहा था। सारे देवता बहुत परेशान थे और उन्होंने रिक्वेस्ट करी गॉडेस शक्ति से कि प्लीज आप महिषासुर का अंत कर दीजिए। अब गॉडेस शक्ति ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब समय आ गया है धरती पर जन्म लेने का और महिषासुर को सबक सिखाने का। और तब उन्होंने साधु कात्यायन की बेटी के रूप में जन्म लिया और उस साधु की भी विश पूरी हुई। कि गॉडेस ने साधु कात्यायन की बेटी के रूप में जन्म लिया था इसलिए वो कात्यायनी के नाम से भी जानी गई। कात्यायनी बड़ी होकर एक बहुत ही सुंदर लड़की बनी। एक दिन महिषासुर की प्रजा के दो असुर चंड और मुंड की नजर कात्यायनी पर पड़ी और उन्होंने सोचा महिषासुर की और कात्यायनी की जोड़ी एक साथ बहुत अच्छी लगेगी। वो दोनों महिषासुर के पास गए और कात्यायनी के बारे में उनको बताया। तो महिषासुर ने अपने एक और सेवक को बुलाया जिसका नाम था दुंडमी। महिषासुर ने उसका मैसेज लेकर दुंडमी को कात्यायनी के पास भेजा। दुंडमी कात्यायनी के पास गया और उसने कात्यायनी को ये बताया कि महिषासुर इंद्रासन को अब मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। कैसे उसने सारे देवताओं को हरा कर तीन लोगों पर राज किया है। और फिर उसने कहा कि आपकी और महिषासुर की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी इसलिए आप उनके साथ शादी कर लीजिए। तो यह सुनकर कात्यायनी ने स्माइल किया और कहा, हे दुंडमी, मैं तुम्हारी बातों को समझती हूँ लेकिन मेरी परिवार की एक रीत है कि मैं उसी के साथ शादी करूंगी जो मुझसे युद्ध करके मुझे युद्ध में हराएगा। तो यह सुनकर दुंडमी कात्यायनी का मैसेज देकर महिषासुर के पास चला गया और उसे इस युद्ध के बारे में बताया। तो यह सुनकर महिषासुर युद्ध की तैयारी करने लगा और अपनी पूरी असुर सेना के साथ युद्ध करने के लिए चला गया। युद्ध शुरू हो गया और कुछ ही देर में कात्यायनी ने महिषासुर की सेना के बहुत सारे असुर को मार दिया और जिसमें से एक दुंडमी भी था। और उसके बाद कात्यायनी और महिषासुर के बीच में युद्ध हुआ।
बुराई पे अच्छाई की जीत हुई और माता के इसी रूप कात्यायन की पूजा हम डे 6 पर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो इसी बात पे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और सबके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं आपको मिलूंगी